अभी मेरे साथ मौजूद हैं संगीता यादव, पूर्व राज्य मंत्री। इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि ये लगातार मंगेश यादव के घर पर गई हैं, और इनसे कुछ और बातचीत करूंगा क्योंकि हमेशा ये क्षेत्रों में जाती रहती हैं, पिछड़े हो या दलित हो या अल्पसंख्यक के घर पे पहुंचकर दुख के साथ उनको साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आप मंगेश यादव के यहाँ आप गए थे, क्या लगा आपको? देखिए, मंगेश के यहाँ जाने पर जो दशा हमने देखी है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो देख के एकदम से कलेजा मुँह को आ रहा था कि जिस बच्चे को इन्होंने 1 लाख का इनामी और डकैत और लुटेरा घोषित कर दिया, उस घर की दशा देखते हुए ऐसा एकदम नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कोई छोटी सी भी अपराध की घटना कोई कर सकता है। और अगर करी भी थी तो आप उसकी उम्र को देखें और उसके परिवार की दशा को देखें तो ठीक है, इस तरीके का तो मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कोई भी काम वो बच्चा कर सकता है जिसके लिए इस तरह की सज़ा उसको दी गई। एनकाउंटर जैसा, मतलब आपने उसको डॉन माफिया जैसे लगता है कि कई मर्डर किए हों, कई सारे घोटाले किए हों, तमाम घोटालेबाज घूम रहे हैं, इतने सारे लोग यहीं जनपद में ही हैं, उन पर तो नहीं कार्रवाई करी गई? 8 मुकदमे दर्ज थे मंगेश के ऊपर, या पुलिस ने लिस्ट जारी की थी? लिस्ट तो वो, ये तो इनकाउंटर के पहले जो है, जब इन्होंने इनकाउंटर किया है उसकी जो यहाँ से लेके गए उठा के, उस चीज़ को झुठलाते हुए कह रहे हैं कि हम तो उसके यहाँ से उठा के ही नहीं लेके गए हैं, हमने तो सीधा मुठभेड़ हुई है, ये भाग रहा था, पकड़ा है, तो क्या क्या सच माने? उनके मुकदमे जो उन्होंने फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं, चोरी चकारी 8 मुकदमे दर्ज कराने, अब तक तो कोई चीज़ें जाहिर नहीं हुई थी, सडन उसके ऊपर 8 मुकदमे हो जाते हैं, सडन वो 1 लाख का इनाम ही घोषित कर दिया जाता है, और फिर ये बताया जाता है कि हम लोगों ने डायरेक्ट उसको पकड़ा है, मुठभेड़ में मारा गया है, घर से उसको नहीं उठाया गया, जबकि बच्ची और उसकी माँ जो है कहती हैं कि हमारे घर से रात को लेके गए हैं और हमको भी धमकाए। देखिए, वो परिवार, क्योंकि पिता थे नहीं, सीधी सादी माँ है, एक छोटी सी बच्ची थी जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसने ये कहा कि हम लोगों को ले जाते समय धमकाया, भाई को जब हमारे ले जा रहे थे तो कह रहे थे कि हम लोग ले जा रहे हैं, अगर किसी से तुमने ने पास पड़ोस में बताया तो तुम्हारे भाई को भी और मारेंगे और तुमको भी मारेंगे। तो कोई भी बच्चा होगा जब प्रशासन इस तरह की धमकी देगा तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो इसलिए भी शायद उस चीज़ को वो लोग नकार रहे हैं, तो उसको क्या किया जाएगा? जो वीडियो पुलिस जारी की है उसकी बहन का, मंगेश का जी, तो 2 वीडियो है, एक सोई हुई है, एक खड़ी होकर पुलिस पूछ रही है जी। उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? उसमें बताया जा रहा है कि 2 महीने से मंगेश घर पे नहीं है, मुंबई में है, और उसमें पुलिस द्वारा जिस तरह की जानकारी, ये लोग कई बार हो सकता है इन लोगों ने ये चीज़ें, प्रिडिक्शन का भी मामला हो सकता है, क्योंकि जब कहते कि लगातार पुलिस आ रही थी, अब कौन से दिन की घटना का बात कर रहे हैं, क्योंकि मंगेश उस वक्त जो उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि वो आए थे, वो हमारी फीस भरने के लिए जाए, हो सकता है वो अपने पिता के पास रहा हो और उससे पहले कभी गए हों और वो वीडियो ये जारी कर रहे हों, उस वक्त की ना कर रहे हों, ये भी तो हो सकता है ना कि 2 तारीख की ना हो, पहले की वीडियो जारी करके उस चीज़ को झुठला रहे, क्योंकि पुलिस जब भी ऐसे जाती है तो अपने बेनिफिट के हिसाब से वो वीडियो बना के रिकॉर्ड में रखती है, क्योंकि वो जब बड़ा अंजाम देने के लिए अगर वो सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो रखेंगे। जैसे मंगेश अपने बहन को लेकर गया था, क्या रास्ते में कहीं CCTV कैमरे या अगल बगल के लोग, कोई तो देखा होगा कि नहीं मंगेश अपने बहन को लेकर जा रहा है? हाँ, वो तो कह रही है कि वहाँ के CCTV जिस स्कूल में लेके गए हैं अगर निकलवाया जाए तो उस पर भी बड़ा खुलासा हो सकता है, तमाम चीज़ें, लेकिन कौन करेगा उसको? सारा प्रशासन, सारी जो इंटेलिजेंस है वो सब तो उन्हीं के हाथ में है, किससे करवाएंगे? क्या लगता है, जो जांच जिनको मिला है विदुषी सिंह को, जो लम्हुआ के SDM है, क्या मंगेश का खुलासा कर सकते हैं नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो शासन से लेके प्रशासन तक सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये लोग मामला कुछ और था, उसको साइड लाइन लगाने के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए मंगेश पे सारा ठीकरा फोड़ दिया ताकि ध्यान डाइवर्ट हो जाए पब्लिक का। ये लोग बड़ी चीज़ को छुपाने के लिए मंगेश की तरफ, क्योंकि वो एक तो ये लोग बैकवर्डों के साथ, दलितों के साथ और ख़ास करके यादव मुस्लिम के साथ तो वैसे भी टारगेटेड हैं हम लोग, तो उन लोगों को टारगेट करके इस तरीके के काम कर रहे हैं, जबकि उसमें तो अन्य बिरादरी के भी लोग, तो उनको क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसा था तो ये काम तो उनके साथ, ये गोली यादव को ही क्यों जाके लगी?
ये उनकी बिरादरी के लोगों को जाके क्यों नहीं लगी? अगर मुठभेड़ हुई थी वहाँ भी तो लग सकती थी, उनके पैर में लगती है, इसके सिर में दो दो बार गोली लग जाती है, कैसा निशाना था इनका? तो कहीं ना कहीं आप सीधा कह रहे हैं कि यादव होने के कारण उसका एनकाउंटर। यादव नहीं, मत बता तो रही हूँ कि यादव पिछड़ा कोई भी हो, ये वही टारगेट पे हैं। ये लोग इतना हम लोगों का शोषण कर रहे हैं और खास करके बिरादरी के नाम पे तो बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं ये। योगी सरकार कहती है कि जब जब मैं माफियाओं को ऊपर कार्रवाई करता हूँ तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पार्टी टांग अड़ाने का कार्य करती है। बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, सबको पता है, अगर माफियाओं पे कार्रवाई करते ना तो कई ऐसे नाम हैं जिसमें बहुत खुलासे हो जाएंगे, ये आप भी जानते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ, हम लोग उसको नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं जी। कि इतने बड़े बड़े माफिया बैठे हैं उन पे कार्रवाई करें, बच्चों का शोषण ना करें, बच्चों को मत मारें। घर उजाड़ दिया उन्होंने, मंगेश इकलौता बेटा था, उस परिवार से जाके पूछें कि क्या दशा है उनकी। वो माफिया मार रहे हैं, इतना बड़ा मतलब व्यक्ति मुख्यमंत्री हो के उन्हें शर्म नहीं आती है कि छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे उनको जो है तमाम धाराएं लगा के जेल भेजने का काम। अरे उसी दिन तीन लड़के और दो लड़के और उठाए गए थे लेदुका के जी। लेदुका था एक मौलनापुर गांव का, अजीत यादव मौलनापुर का, और एक लेदुका का लड़का जितेंद्र यादव, सेम डे जिस दिन मंगेश को उठाया उस दिन उनको भी उठाया गया। कैसी परिस्थितियां रही, कैसे वो बच गए, तब भी उन पर गुंडा एक्ट, बम बम दिखा के कितनी धाराएं लगा के उनको जेल भेज दिया, थाने पे पीटा भी गया जी। अब उस चीज को उभरने ही नहीं दे रहे, दबा दिया गया मामला। अभी एक उसकी माँ कह रही थी कि घर में आए, तोड़फोड़ किए, उसके बाद कैमरा का जो उसको सब सीडिया डीबिया उखाड़ के लेके चले गए। दो बार पुलिस रात में गई थी, दो बार रात में पुलिस गई है और उसका सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे उसको तोड़ दिया। यानी वो अपने हिसाब से चीजों को बनाने के लिए उनके यहाँ के सीसीटीवी कैमरे क्यों फोड़े उन्होंने? अगर वो सही थे तो क्यों तोड़े भाई? वो तो सब रिकॉर्डेड होता ना उसमें। और उनके यहाँ लूट करी है पुलिस प्रशासन ने, लूट भी हुई है, लेकिन उस चीज को सब दबा के और उसको जो है गुंडा और वो डकैत बना के उसको जेल भेज दिया गया। रात को घर से पुलिस उसके 1 बजे रात को उठाती है, लेकिन पुलिस अपने कार्रवाई में कलिचरा मोड़ दिखाती है, कलिचरा मोड़ दिखा रही है, जबकि ये वहाँ के तो पास पड़ोस के लोग भी जान रहे हैं कि रात में आई है पुलिस उठा के लेके गई है। चलिए यहाँ मंगेश वाले में, क्योंकि आसपास ऐसा कोई वही नहीं था कि जो कि देख पाता, खेत की आ रही थी, तो रात को सोते समय आधी रात को अगर कोई आएगा 2 बजे का, दबे पांव चारों तरफ से इन लोगों ने जो है वो करा है, गाड़ी दूर खड़ी कर दी, तो तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और मे भी ऐसा भी हो कि इन्होंने इतना धमकाया है कि बच्चे, घर के बच्चे जब नहीं बोल पाए तो क्या करेंगे? एक माँ और एक बेटी किसको जाते बोलने के लिए? इतनी बड़ी डकैती अगर मंगेश यादव किया होता तो उसके घर के जो हालात हैं हम भी देखे, और कई लोगों से मैंने बातचीत किया गुप्त में जी। तो वो लोग बताए कि नहीं यही घर है। तो आपको क्या लगता है अगर वो डकैती किया होता 1,35,00,000 रुपए का, कुछ तो घर पे लाया होता? देखिए मैं आपको बता दूं, अब आप उस बात को तो खुली खुद ही आपकी बात में ही सारा जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि आप देख के आए हैं और जो हालात थे, कोई सडन अपनी वेशभूषा नहीं बदल लेगा वारदात होने के बाद। जो हालात थे वो अपने आप में बयां कर रहे थे कि कैसी स्थिति है इस घर की, कपड़े से लेके हर चीज़ दिख रही थी, उन बच्चे से लेके माँ की, पिता की, सबकी दशा दिख रही थी, उसके दादाजी जो थे बुजुर्ग उनकी भी दशा दिख रही थी। तो उस घर, और अगर ऐसा कुछ था भी तो आपने तो चेकिंग करी, पूरा घर तो छान मारा, क्या मिला? कुछ तो मिला होता जो लूट खसोट का था। जो बाइक लेकर पुलिस जिस तरीके से बताई, जो बाइक लेकर भाग रहा था मंगेश, एनकाउंटर में ढेर हो गया, उसके बाद जो बैग बरामद हुआ उसमें 5 किलो चांदी था, लेकिन जिसकी बाइक पुलिस जिक्र की थी, मैं उनका उनसे जाकर बयान नोट किया तो कहे मेरी बाइक थी ही नहीं। तो वो मैं बता रही हूँ आपको, देखिए आप जो बातें बता रहे हैं क्योंकि आधी जानकारी आप ले चुके हैं जी, आधी से ज़्यादा ही ले चुके हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है शासन और प्रशासन दोनों से कि अगर वो मंगेश था जिसको आप कह रहे हैं कि लूट में भी था और वैसे भी, और फिर आप हेलमेट पहना हुआ क्यों दिखा रहे हैं? बाकी चेहरे हेलमेट पहने हुए नहीं थे, सिर्फ मंगेश था। और मंगेश अगर था भी तो आप उसका चेहरा एक बार तो दिखाते, लूट के समय दिखाते और एनकाउंटर के समय दिखाते, कभी तो उसका हरदम वो हेलमेट पहन के ही घूमता था क्या? चलो बाइक एनकाउंटर आप दिखा रहे हो, लेकिन लूट के समय भी वो हेलमेट में ही था, हरदम आप हेलमेट में उसको दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं। अरे भाई चेहरे के हेलमेट के नीचे तो कोई भी चेहरा वो करके आप वीडियोग्राफी कर सकते हो। आजकल तो मोदी जी ने तो वो सर्जिकल स्ट्राइक में ही कितने कितने वो कांड कर दिए थे, सबको पता है फेक सर्जिकल स्ट्राइक थी।
पुलवामा वाली घटना के बाद जो करा था जी, वहाँ के तो राज्यपाल ने खुलासा कर दिया। वो पाकिस्तान के उससे जब बात हुई टीम से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमने 3 किले उनके ध्वस्त कर दिए। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इस तरीके का ये एक मंगेश यादव ही नहीं, जब से ये सरकार बनी है पूरे प्रदेश के यही हालात हैं। चाहे वो हाथरस की बेटी की घटना हो, चाहे वो झांसी के पुष्पेंद्र यादव की घटना हो, इस तरह की घटनाएं तो तमाम हैं और आप लोगों के सामने सब कुछ है, सब खुला है। अभी एक महिला ने जो है सीधे जो है एक बच्ची 2.5 साल की बच्ची को गला रेत के हत्या कर दी। और हत्या का कारण भी क्या कि वो तंत्र मतलब पूजा पाठ के तहत बलि का चलन जो सदियों पहले हुआ करता था उसके तहत उस बच्ची की बलि दे दी। और वो भी वो बच्ची जिसकी माँ उसके यहाँ काम करती थी, क्योंकि उसके बहू को बच्चा पैदा होता था वो खत्म हो जाता था। तो एक बच्ची की बलि माँ मतलब, अच्छा देखिए आप लोग तो इतना सब कुछ पता कर लिए हैं, बलि दी गई है, कारण जान लिए सब कुछ, तो अब ये सब कुछ साफ है। हम कह रहे हैं अयोध्या में जब वो हुई तो आपने घेरा जो है अवधेश प्रसाद जी को कि उनके यहाँ मतलब इनसे मिला हुआ था, उनसे मिला हुआ था, आपने उस व्यक्ति को बुलडोजर चलवा दिया घर पे। बुलडोजर तो ऐसे लोगों के घर पे चलना चाहिए, कहाँ है बुलडोजर योगी जी का? तो इससे नहीं नज़र आता कि केवल वो जाति देख के ही टारगेट करते हैं। अक्सर कमेंट आते हैं जब मैं सपा के बड़े बड़े नेता के इंटरव्यू लेता हूँ, तो जो विपक्ष के नेता है वो कहते हैं कि नवाब सिंह पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग, क्योंकि अभी नवाब सिंह का जल्द में शोषण का वीडियो वायरल हुआ था, जेल गए नवाब सिंह। मैंने कहा ना कि फर्जी भी तो हो सकता है, आप उनको फंसा भी तो सकते हो, क्यों बोले कोई? क्योंकि आधे से ज़्यादा मतलब 90% आप फर्जी कर रहे हो, तो सारी चीज़ें तो संदिग्ध में आप खुद लेके आ रहे हो ना। आप अगर फेयर काम करते तो कोई बोलता ही नहीं। अगर आपका न्याय, आपकी न्याय प्रणाली अगर फेयर होती तो शायद कोई इस मुद्दे पे नहीं बोलता। एक व्यक्ति की बात नहीं, आप ऐसे सारे काम आप देख लीजिए जहाँ पे है, सारे आप लोग धांधली कर रहे हो। आप चाहे मंगे, इतनी घटनाएं हो रही हैं, क्या ये सच्ची है? अभी जल्द में ही चौबेपुर में शारदा यादव की रात को 11-12 के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहाँ पीड़ित परिवार बहुत गरीब है, जांच चल रही है। जितने गरीब परिवार हैं, जो अपने आप में मजबूत होगा, जो इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, अभी किसी मजबूत घर में गए होते तो पता वहाँ की। अभी ये लड़की वाली ही जो घटना है ना, यहाँ पे भी जब हम गए, लड़की का परिवार यही कह रहा था कि जरा अपनी बिरादरी के लोगों किसी एक के बच्चे को बलि चढ़ा के देखे होते तब पता लग जाता, इनको यहीं काट के रख देते। लेकिन क्योंकि वो छोटा परिवार था, कहाँ बिरादरी के बेचारे लोग थे, मतलब गरीब परिवार था, मजदूरी करके खा रहा था, उसकी बच्ची को कर दिया। और वो भी कितना धरना प्रदर्शन, चक्का जाम किया गया, कितना हंगामा हुआ, तब जाके तो FIR दर्ज हुई है, तब वो गिरफ्तार हुई है। वो भी जो बच्ची थी, काफ़ी वर्षों के बाद वहाँ एक बेटी पैदा हुई थी, उनके पोते ही पोते थे बेटी। वो इतना रो रहे थे कि हमारे मतलब शायद बेटों से ज़्यादा उस बेटी का लालन पालन वहाँ हो रहा था। ऐसे बिलक बिलक के माँ की आंसू देख के कलेजा मुंह को आ जाता है कि एक एक तरफ से 8-8 धार ऐसे बहती हैं उसमें, इतना दर्द है उस घर में। पूर्व मंत्री मंगेश यादव के साथ कितना खड़ी है? मैं मंगेश यादव के साथ पूरी तरीके से खड़ी हूँ। जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी, जहाँ जहाँ उनकी उनको मदद की ज़रूरत होगी, मैं उनके साथ हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे साथ यह मौजूद थे पूर्व राज्य मंत्री संगीता यादव जी, हमेशा क्षेत्रों में पहुँचती रहती हैं और दुख दर्द सभी लोगों के बीच में बयां करती हैं। फिलहाल मेरी यह अनोखी रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।